इन दिनों देश भर में नवरात्रि की धूम मची हुई है, लेकिन ग्वालियर की कैंसर पहाड़िया पर स्थित मांडरे की माता पर साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सिंधिया घराने की कुलदेवी मांडरे की माता सिद्ध पीठ के रूप में पूजी जाती हैं। मांडरे की माता की विशेष कृपा सिंधिया घराने पर देखने को मिलती है। बताया जाता है कि हर खतरे के पहले ही माता द्वारा सिंधिया घराने को सपना देकर आगाह कर दिया जाता था। मांडरे की माता के पुजारी अशोक राव मांडरे ने जानकारी देते हुए बताया कि मांडरे की माता महाकाली अष्टभुजाधारी के रूप में यहां विराजमान है। 149 साल पहले महाराष्ट्र के सतारा से माता की मूर्ति को लाकर यहां स्थापित किया गया था। सिंधिया घराने के जयाजी राव सिंधिया ने अपनी सेना के कर्नल आनंद राव मांडरे के आग्रह पर महाकाली की मूर्ति को महाराष्ट्र से लाकर ग्वालियर की कैंसर पहाड़ी पर स्थापित किया था। आनंद राव मांडरे महाराष्ट्र के सतारा में महाकाली की पूजा किया करते थे। आनंद राव की कला को देखकर सिंधिया घराने के जयाजी राव सिंधिया आनंद राव मांडरे को अपने साथ ग्वालियर लेकर आए थे। यहाँ पर उन्होंने आनंद राव मांडरे को अपने लश्कर का कर्नल नियुक्त किया था। आनंद राव मांडरे का लश्कर लगान वसूली का काम किया करता था। आनंद राव मांडरे से जयाजी राव सिंधिया बेहद खुश रहा करते थे। सिंधिया शासक जयाजी राव सिंधिया ने पहाड़िया पर 13 बीघा जमीन देकर मंदिर का निर्माण करवाया। आनंद राव मांडरे के वंशजों द्वारा इस मंदिर की पूजा की जाती रही है। आज भी आनंद राव मांडरे के वंशज इस मंदिर में पुजारी के रूप में मौजूद हैं। आनंद राव मांडरे के वंशज और मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह माता का मंदिर सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर सच्चे दिल से जो मन्नत मांगी जाती है वह जरूर पूरी होती है। सिंधिया महल का द्वार और मांडरे की माता मंदिर का द्वार आमने सामने है। जानकार बताते हैं कि सिंधिया शासक दूरबीन के माध्यम से प्रतिदिन मांडरे की माता के दर्शन किया करते थे। मांडरे की माता के दर्शन करने के बाद ही उनके दिन की शुरुआत हुआ करती थी। मांडरे की माता सिंधिया घराने की कुलदेवी भी हैं। यही वजह है कि सिंधिया घराने द्वारा कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले कुलदेवी पर दर्शन करने की परंपरा है। जानकार बताते हैं कि सिंधिया घराने की कुलदेवी मांडरे की माता की सिंधिया घराने पर विशेष कृपा रही है। सिंधिया घराने पर जब भी कोई संकट आता तो मांडरे की माता सपने में आकर उस संकट के बारे में पहले ही सिंधिया घराने को आगाह कर दिया करती थी। दशहरे के दिन सिंधिया घराने द्वारा मांडरे की माता मंदिर पर पहुंचकर शमी पूजा की जाती है। अपने राजघराने की पोशाक को धारण करने के बाद सिंधिया घराने के लोग मांडरे की माता मंदिर पर पहुंचते हैं और यहां शमी पूजन करते हैं। मांडरे की माता मंदिर में मौजूद वृक्ष की सिंधिया घराने के सदस्यों द्वारा विशेष पूजा की जाती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया अपने बेटे महा आर्यमन सिंधिया के साथ हर साल मांडरे की माता मंदिर पर पहुंचते हैं और यहां दशहरे की पूजा करते हैं।